एक दिन मंदिर नहीं आ पाओगे तो खुद की जो बेचैनी है ना, जो आपको पिताजी के पूछने पर महसूस होती है या घर पहुंचने के पहले महसूस होती है, वो बेचैनी यहाँ महसूस होगी। शिवरात्रि में मुहूर्त देखने का कोई जरूरत नहीं है ना, इसमें मुहूर्त ही मुहूर्त है। और शिवरात्रि का तो पर्व बहुत स्पेशल होता है, खासकर लड़कियों के लिए तो रहता ही है, तो मैं बहुत अच्छे सेलिब्रेट करती हूँ और यहीं आती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका सुरमा टाइम्स में और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस साल महाशिवरात्रि का जो पर्व है, जो त्यौहार है, वो 8 मार्च को मनाया जा रहा है। और इस 8 मार्च को ये महाशिवरात्रि किस तरह से खास होने वाली है, क्या कुछ इसके इंतज़ाम हैं, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इनकी तैयारियाँ कैसी चल रही है, ये सब जानने के लिए हम पहुँच चुके हैं रायपुर के महादेव घाट के हटकेश्वर महामंदिर। तो आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि क्या है कल को लेकर तैयारियाँ। मैं जब से रायपुर में शिफ्ट हुई हूँ तब से आती हूँ यहाँ पे। और बोलते हैं कि हटकेश्वर महादेव जो है वो महाकाल के ही मतलब जैसे मतलब बहुत ही प्रसिद्ध शिवलिंग है। तो आप यहाँ कैसा लगता है आपको आके, मतलब अब इस चीज़ को बता तो नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ है कि अपन का दुनिया भर का टेंशन एकदम फ्री लगता है, इसलिए हम मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड आए हैं, दोनों बैठे थे मस्त रिलैक्स होके, बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे को अंदर पहली बार मिला जाने के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़। और शिवरात्रि का तो पर्व बहुत स्पेशल होता है, खासकर लड़कियों के लिए तो रहता ही है, तो मैं बहुत अच्छे सेलिब्रेट करती हूँ और यहीं आती हूँ। चलो, हम भी कामना करते हैं कि आप ऐसे ही आते रहे इस मंदिर और आपकी हर मनोकामना पूरी होते रहे। धन्यवाद जी। मैं पहली बार आ रहा हूँ। कैसा लगा आपको पहला एक्सपीरियंस रायपुर का, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है? बहुत बढ़िया लगा, मैं पहली बार आ रहा हूँ। असल में हम लोग डॉक्टर जी के पास आए थे, अभी रिपोर्ट आना बाकी है, तो हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए आए। अच्छा जी, धन्यवाद। और अभी हमारे साथ मौजूद है हटकेश्वर महामंदिर के प्रसिद्ध पंडित जी, जिनका नाम है धन्नु महाराज। तो चलिए इनसे जानते हैं कि कल का क्या शुभ मुहूर्त है और कल को लेकर क्या तैयारियाँ है खास। देखो, शिवरात्रि में मुहूर्त देखने का कोई जरूरत नहीं है ना, इसमें मुहूर्त ही मुहूर्त है। शिवरात्रि में माता जी का मतलब भोलेनाथ का बढ़िया श्रृंगार होगा और उसके भव्य सा कार्यक्रम निकालते हैं हम लोग, जिसमें ढोल बाजा नगारा ये सब बजेगा। उसमें इसमें कम से कम 200 से या 300 से लगभग पब्लिक रहेंगे, बाजा गाजा वाले रहेंगे और कल के समय बढ़िया अच्छे से भीड़ रहता है और बढ़िया बाराती जाते हैं। इसमें जाने का समय हमारा रहेगा 12 बजे और 12 बजे से हम लोग निकलेंगे तो अश्विनी नगर जाएंगे, वहाँ से हम दूल्ही का विवाह करके फिर वहाँ से आएंगे और यहाँ पे बढ़िया भव्य सा कार्यक्रम है। भोजनालय का व्यवस्था रखा गया है जिसमें सभी लोग बढ़िया ग्रहण कर सके और बढ़िया अच्छे से अपने गाना बजाना करके घर जा सके। और क्योंकि ये रायपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है तो यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ होगी कल, तो उसको लेके क्या तैयारियाँ हैं यहाँ? अब देखिए, उसको लेके तैयारी तो पूरा व्यवस्था कर दी है हम लोग, पुलिस वुलिस गार्ड वार्ड सबका व्यवस्था किए हैं और खाने पीने का रखे गए हैं और नहीं, और व्यवस्था और रखा गया है जिसमें अभी बता हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन रखे हैं भोजनालय के रखे हैं, पानी का व्यवस्था किए हैं, नल का व्यवस्था है, बाथरूम वाथरूम का व्यवस्था है, सब चीज़ का व्यवस्था कर दिए हम लोग। बस दिक्कत है बस, अब वो क्या होगा वो तो पता नहीं हम लोग को, बाकी बाबा जी जाने। तो आप यहां मतलब मोर माँ भाई बैठे मोर सासू माँ है और बाद हम खाना खा गए दीदी। हाँ, सबसे पहले हमारे दुकान हरे दीदी, सबसे पुराना बहुत दीदी बहुत एकदम हद से ज्यादा भीड़ रही थी और गंगा आरती भी पकल तब बहुत ज्यादा भीड़ रही, पब्लिक इतना कि घोड़ रखे जगह नहीं रहा, भंडारा भी जगह जगह रही थे, भंडारा बहुत सारा रही थे। जैसा कि हमने देखा कि इस बार की शिवरात्रि कैसे खास होने वाली है, हटकेश्वर महादेव जो कि रायपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं भक्तों के लिए और कैसे भीड़ को यहाँ संभाला जाएगा। इस वक्त हम मौजूद है बूढ़ापारा के बूढ़ेश्वर मंदिर में, जो कि रायपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। आज हम यहाँ जाने की कोशिश करेंगे कि कल महाशिवरात्रि है तो उसको लेकर यहाँ क्या क्या तैयारियाँ चल रही है। आइए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। Thank you.
और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस मंदिर के ट्रस्टी, तो आइए इनसे जानते हैं कि कल की क्या क्या प्रिपरेशंस है। सर आपका नाम बताइए। श्री, मेरा नाम राजेश कुमार व्यास। अच्छा, तो कल महाशिवरात्रि का पर्व है और इस बुढ़ेश्वर मंदिर में कल क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, रायपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है, पहला मंदिर है महादेव घाट का शिव मंदिर, उसके बाद ये, और दोनों मंदिर अपनी विशालतम और प्राचीन मान्यताओं के स्वरूप लोगों में प्रचलित हैं। इसकी आस्था, इसके प्रति जो आस्था है वो लोगों में बहुत है। तो कल जब महाशिवरात्रि, शिव का विवाह, तो सवेरे से शिव मंदिर में कार्यक्रम शुरू होते हैं। 4:30 बजे हमारा मंदिर शुरू होगा। सवेरे पंचामृत स्नान होगा, फिर लघु अभिषेक होंगे जो दर्शनार्थियों द्वारा भी करे जाएंगे, भक्तों के द्वारा भी किया जाएगा। ये 7 बजे तक के ये प्रोग्राम चलेगा। 7 बजे के बाद हम सामान्य जो भक्त हैं, जो नियम से महादेव को जल चढ़ाने आते हैं, उनके लिए व्यवस्था रहेगी। हर आदमी अपने अपने ढंग से महादेव की पूजा करता है, तो वो भी संपूर्ण शिवरात्रि का पुण्य ले। 12:30 बजे हमारे यहाँ भोग लग जाता है। भोग लगने के बाद थोड़ी देर भगवान को विश्राम देने के बाद फिर वापस शाम का श्रृंगार जो होता है उसके लिए मंदिर के पट बंद किए जाएंगे और पुनः 4 और 4:30 के बीच में पट खोले जाते हैं। तो कल जो श्रृंगार किया जा रहा है उसका शिव विवाह से संबंधित एक मैटर है। शिव जब विवाह करने गए थे, जिस तरह के बाराती थे, जिन जिन देवों ने आशीर्वाद दिया और किस स्वरूप में बारात गई, वो सारे स्वरूप यहाँ मंदिर में विराजमान रहेंगे। प्रयास ये कर रहे हैं कि शिव की वास्तविकता में जैसे शादी हुई उस ढंग का प्रयास करें आगे महादेव की इच्छा। तो जैसा कि आपने बताया कि ये रायपुर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, तो क्या है यहाँ की शिव जी की पुरानी मान्यता? आपके घर में पिताजी है? सर, आप 2 घंटा लेट हो जाती हैं, तो पिताजी कितनी बार इंक्वायरी करते हैं क्यों नहीं आए, क्या हाल अटक गए, क्या काम है। उसी तरह इस मंदिर से आप जुड़ाव करके देखिए, रोज आना शुरू कीजिए, चाहे जिस वक्त आए आप। एक दिन मंदिर नहीं आ पाओगे तो खुद की जो बेचैनी है ना, जो आपको पिताजी के पूछने पे महसूस होती है या घर पहुंचने के पहले महसूस होती है, वो बेचैनी यहाँ महसूस होगी। ये घर का, परिवार का बड़ा मुखिया है, तो एक मुखिया की जो भूमिका होती है ये पूरा निभाता है। तो समाज के भक्तों को इसने बहुत दिया है। अब ये अपने अपने ढंग का लोग पाए हैं, किसी की कुछ अमान्यता थी, किसी की कुछ आशा थी, पर जिसने भी यहाँ आया है, दंडवत किया है या एक लोटा जल चढ़ाया है, उसको भी उधारी नहीं रखा महादेव ने, उसको भी दिया है। बड़े ही प्यारे शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में सर ने बताया कि किस तरह से यहाँ के जो महादेव है वो हमारे प्राचीन मान्यता जो है उनकी एक घर में बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उसकी तरह है। तो कल इस मंदिर में इतना कुछ खास होने वाला है, तो आप भी जरूर आइएगा और यहाँ की जो भी वातावरण होगा वो जरूर एंजॉय कीजिएगा। अभी अंदर ट्रस्टी से बात की कि कल का जो आयोजन है वो किस तरह से होने वाला है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और तब मैं थी आपके साथ आकांक्षा पांडे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग सरमे टाइम्स।